कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो एग्जाम सेंटर भरते हैं तो उन्हें किसी और स्टेट में जाके एग्जाम देना होता है। सो एनटीए इस बार ये चाह रही है कि बच्चा जिस स्टेट में है। हेलो एवरीवन, आई एम वंदना, अ करियर साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी। सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी कुछ दिनों पहले ही एनएमसी ने जो है एक लेटेस्ट न्यूज जारी की थी, जिसके अकॉर्डिंग उसने जो है नीट के सिलेबस में कुछ चेंजेस किए थे। तो उसके बाद से ये अटकने लगाई जा रही थी कि क्या वो आईआईटी जेई के एग्जाम में भी सिलेबस में जो है उनमें भी चेंजेस आएंगे। सो टाइम्स ऑफ इंडिया के दिए इंटरव्यू में एनटीए के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन दी है कि आईआईटी जेई का जो सिलेबस है उसमें कुछ चीज़ें रिड्यूस की जाएंगी, सिलेबस में आपके जो है चेंजेस आएंगे। सो वो चेंजेस जो है वो आपके नेक्स्ट वीक तक आपके एनटीए की साइट पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा। उसके अलावा बच्चों को एक भी और भी क्वेरीज थी कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट तो आ चुका है बट एग्ज़ाम के जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए भी एनटीए ने जो है एक न्यूज़ जारी किया है कि जिसके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट मंथ तक जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन का जो डेट है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी उसकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। एंड उसके अलावा इस बार एनटीए ने जो है कुछ नया सोचा है। उन्होंने सोचा है इस बार कि बच्चे जो है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो एग्ज़ाम सेंटर भरते हैं तो उन्हें किसी और स्टेट में जाके एग्ज़ाम देना होता है। सो एनटीए इस बार ये चाह रही है कि बच्चा जिस स्टेट में है उसे नियर बाई ही जो है सेंटर प्रोवाइड कराया जाए, ताकि उस बच्चे को जो है कहीं दूर जाके ट्रेवल करने की ज़रूरत ना पड़े और उनके पास में ही सेंटर मिले, ताकि वो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर सके। सो नेक्स्ट वीक जो है आपके एग्ज़ाम का सिलेबस एंड आपके एग्ज़ाम के जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों ही चीज़ें एनटीए के साइट पर अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।